गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुखविंदर सिंह, ETT टीचर फ्रॉम गवर्नमेंट प्राइमरी स्मार्ट स्कूल दौलतपुर, ब्लॉक मलेरकोटला वन, डिस्ट्रिक्ट संगरूर तो। आई वेलकम टू यू ऑन माई यूट्यूब चैनल सुखविंदर बलिंग एंड ऑनलाइन क्लासेस। टूडे वी विल स्टार्ट क्लास 4th लैसन 4 टीम वर्क। सब्जेक्ट इंग्लिश का अपने अज लैसन 4 करना बच्चों, टीम वर्क इसका अज आप पार्ट 3rd करन जा रहे हैं, क्योंकि पहला आप इस पोएम दिया दो वीडियोज़ दो पार्ट बना चुके हैं। तो जिहड़े बच्चे ने वो पहला वाले पार्ट नहीं देखे तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके वो पार्ट देख लैन, जो तुहानू जिहड़ा अज क्वेश्चन आंसर इस पोएम दे करन जा रहे हैं फिर तुहानू समझन दे विच सौख रहूगी। ठीक है जी। हाँ जी, लैसन 4 टीम वर्क का क्वेश्चन फस्ट हैगा साढ़े कोले, व्हाट डज टीम वर्क मीन। टीम वर्क का की मतलब है जी। ठीक है, व्हाट डज टीम वर्क मीन, टीम वर्क का की मतलब है, आंसर लिखो बच्चे का। आंसर हैगा जी, टीम वर्क मीनस टू मेक कलैक्टिव एफर्ट्स। की आंसर हैगा, टीम वर्क मीनस टू मेक कलैक्टिव एफर्ट्स। जो असी किसी काम कट्ठे होकर काम कर देंगे तो वह मतलब की होंगे गा, असी टीम वर्क के काम कर रहे हैं। ठीक है। सैकेंड क्वेश्चन साढ़े को हैगा जी, इज़ टीम वर्क नीडड टू प्ले बास्केटबॉल। कहिंदा भी बास्केटबॉल खेलने के लिए की सानू टीम वर्क की लोड़ है। जो अपने पोएम पढ़ी सी तो उस एग्जाम्पल आई सी अपनी बास्केटबॉल वाली, तो वो दस्या कि जदों बास्केटबॉल खेडी जाती है तो उत्थे सारे बच्चे ने जिहड़े हो रल के खेडते नेगे तो एक टीम की तरह खेडते हैं। इहदा आंसर आपां लिखांगे बच्चे जैस कौमा पा के, अदरवाइज़ वी गेम कांट गो ऑन। हाँ, जे आपां इस तरह नहीं करांगे तो जिहड़ी गेम आ उह अगे नहीं वधूगी। टीम वर्क के सानू सारे एक दूजे नाल रल के खेडना पैंदा है। ठीक है जी। ये सैकंड क्वेश्चन सीगा। थर्ड क्वेश्चन साडा हैगा, व्हाट डज द प्लेयर्स पास ऑन इन रिले रेस। ठीक है जी, रिले रेस बारे भी अपने गल करी सी कि जिहड़े खिडारी ने रिले रेस के वो एक दूजे की पास करते हैं, तो शायद तुहाडे जहन दे विच आ गया होना कि वह की पास करते हैं, उसनों आपां की कहणगे। आंसर लिखो बच्चे, ही पासिस ऑन अ बैटन, ही पासिस ऑन अ बैटन। ठीक है, वो बच्चे ने जिहड़े रिले रेस लाउंदे ने वो एक दूजे को की पास कर देंगे, बैटन पास कर देंगे। ठीक है जी। ये है 3 क्वेश्चन तो उन्होंने आंसर ये तुसी कर लेने। नैक्सट हैगा बच्चे, नैक्सट पार्ट देखो अगे अगे हैगा अपने को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के टिक द करैक्ट आंसर। ठीक है जी। फस्ट साढ़े को है जी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, टीम वर्क मीनस। हम टीम वर्क मीनस के सानू दो आंसर दते हुए हैं, ये हैगा टू वर्क अलोन, इकले काम करो। बी हैगा टू वर्क टुगैदर, इकट्ठे मिलकर काम करो। हुण जिहड़े बच्चे ने पोएम तो एनस पढ़ी सी समझी सी उन्होंने बिल्कुल हुण क्लीयर हो गया होना कि आंसर की है। ठीक है, आंसर के मैं बी दे टिक लगाया बच्चों, तो टू वर्क टुगैदर। ठीक है, तुसीं भी इत्थे टिक लाउणा कि असीं इकट्ठे मिलकर काम करिए, उसका मतलब रहिंदा गा टीम वर्क। ठीक है जी। सैकंड साडा क्वेश्चन हैगा जी, इट्स ग्रेट सक्सैस। ठीक है जी, ये दो आंसर सानू दिते नेगे। पहला हैगा वैन वी वर्क टुगैदर, जो असं इकट्ठे मिल के काम करते हैं उदों ग्रेट सक्सैस होंगी है, जो वैन वी वर्क अलोन, जो कल्ले काम करते हैं उदों साड़ी सक्सैस ग्रेट होंगी है। ये की है बच्चे, क्योंकि ये साडा जिहड़ा पोएम सी सारी टुगैदर अपनी टीम वर्क के उपर है, इस करके इहदा आंसर हैगा वैन वी वर्क टुगैदर, जो असं इकट्ठे मिल के काम करते हैं तो उहदे विच सानू जिहड़ी सक्सैस आ उह ज़्यादा प्राप्त होंगी है। ठीक है, इहदा आंसर हैगा ए। थर्ड हैगा जी, द वैटन इज़ पासड टू, द वैटन इज़ पासड टू, ए हैगा द प्लेयर, बी हैगा द टीचर। हाँ जी, वैटन किनू पास की जाती है, प्लेयर न। ठीक है जी, इस करके ए दे उपर तुसीं टिक ला देना द प्लेयर ते। ठीक है, नैक्सट हैगा बच्चो सी। सी दे विच आपां ने देखना गा टिक वेयर टीम वर्क इज़ रिक्वायर्ड, आपां ने उत्थे टिक लगाउणे जिथे टीम वर्क की लोड़ है। ठीक है जी, ये साडे कोले कुछ सेंटेंस दिते हुए ने, उन्होंने असी देखना कि जिते जिते टीम वर्क की लड़ है उत्थे असी टिक लगावे, जिते नहीं हैगी उत्थे असी क्रॉस लगावे। ठीक है जी। फस्ट हैगा जी, प्रिपेयरिंग स्कूल मैगजीन, स्कूल का मैगजीन तैयार करने वास्ते दसो भी टीम वर्क की लड़ है। यस, टिक लावे, क्योंकि जिम्मे अपने अपने स्कूल का टीम अपना मैगजीन तैयार किया, सारे बच्चों ने अपना अपना हिस्सा पाया, किसी ने पोएम, किसी ने स्टोरी, किसी ने बुझारत, है ना जी। इस करके सारे बच्चों ने मिल के अपना जिहड़ा मैगजीन तैयार किया, उत्थे तुसीं एक टीम वर्क के तरह काम किया, इस करके
मैगजीन तैयार करने वास्ते सानू टीम वर्क की लोड़ होंगी है, इस करके ठीक है जी टिक लगा दो। सैकंड हैगा बच्चे रनिंग रिले रेस, रिले रेस जो आप दौड़ते हैं तो उत्थे भी सानू कादी लोड़ होंगी है जी टीम वर्क की, ठीक है इस करके इतने भी की आ गया टिक आ गया, ठीक आ गया जी। थर्ड साडा हैगा जी स्केटिंग, स्केटिंग दे विच बच्चा कल्ला भी दौड़ सकता गा, इस करके उत्थे मतलब जिहड़ी टीम वर्क की लोड़ नहीं होंदी, उत्थे लोन कल्ला बच्चा भी अपना जिहड़ा टीम दे विच पार्टिसिपेट कर सकदा, इस करके दे क्रॉस आ गया। होर हैगा साडे कोल जी प्लेइंग क्रिकेट, जदों असीं क्रिकेट दे विच खेडदे आ तां असीं इक टीम दे विच खेड रहे हुंदे आ सारे खिडारी, तां इहदे विच आपां टिक लावांगे प्लेइंग क्रिकेट दे विच की आ, ठीक है जी टिक। पंज नंबर ते हैगा बच्चे वाटरिंग द प्लांट्स, जदों असीं पौद्यां नूं पाणी दे रहे हुंदे आगे तां भी असीं जे टीम वर्क दे विच कम करदे आ तां असीं कम बहुत जल्दी अते थोड़े समें दे विच कर लैंदे आ, जिवें आपां अपने स्कूल दे विच अपने पौद्यां नूं बूटियां नूं पाणी दिंदे आ, जदों तुसीं इकट्ठे हो के सारे जणे पाणी दिंदे हो तां आपां नूं थोड़ा टाइम लगदा ना, इस करके आपां इत्थे टिक लावांगे वी टीम वर्क दे नाल जिहड़ा कम है बहुत जल्दी हो जाता है। सिक्स हैगा बच्चे रिसाइटिंग अ पोएम, जो असीं कविता का गुणगान कर देंगे तो वह असीं कल्ले भी कर सकते हैं, ठीक है तो इत्थे क्रॉस आ गया, ठीक है जी। ये हैगे सीगे कितने कितने असीं टीम वर्क की लोड़ पैंदी है। डी नंबर ते हैगा साडे कोल बच्चों मेक सेंटेंसिस, सानू कुछ वर्ड दिते हुए नेगे उन्हां दे तुसीं सेंटेंस बनाउणे नेगे, ठीक है। फस्ट हैगा साडे कोल जिवें टीम वर्क, टीम वर्क दा आपां ने सेंटेंस बनाउणा, टीम वर्क का सेंटेंस बनाया जी मैंने टीम वर्क मीनस टू वर्क टूगैदर, ठीक है जो असी इकट्ठे होकर काम करते हैं तो उसका मतलब असं की होंगे टीम वर्क के काम कर रहे हैं। सैकंड हैगा जी वैटन, आई हैव अ वैटन, ठीक है। थर्ड हैगा साढ़े कोल गोल, गोल का असं सेंटेंस बनावे माई लाइफ गोल इज़ टू बी ए डॉक्टर, कोई टीचर, कोई सोल्जर, ठीक है तुम इतने जो भी बना सकते हो पर मैं इतने लिखा डॉक्टर है ना, तुम यही लिख लेना माई लाइफ गोल इज़ टू बी ए डॉक्टर, ठीक है। फोर साढ़े को हैगा जी वर्ड हैगा रेस, रेस का जो असं सेंटेंस बनावे वो हैगा टूडे आई वैन द 100 मीटर रेस, ठीक है टूडे आई वैन द 100 मीटर रेस। ये हैगा सी बच्चो अज पार्ट थर्ड टीम वर्क लैसन का, ये पोएम दे तुसी जिहड़े अज इत्थे क्वेश्चन आंसर सीगे ऑब्जेक्टिव टैग क्वेश्चन ने गे टिक मार्क ने गे ते मेक दा सेंटेंस है, ये तुसी अज अपनी नोटबुक दे विच वधिया वधिया करके लिखना याद करना, तो फिर आपां इस तों अगे अपना जिहड़ा पार्ट रह गया वो आपां नैक्सट वीडियो दे विच बनावांगे। थैंक यू बच्चे।